टॉपिक है नवंबर में ही इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, एक नहीं है एक अधिक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। रिसेंटली जो डिस्प्यूट हो रहा है वो आसाम और मेघालय के बीच में हो रहा है और दोनों सरकारों ने अग्री किया है टू सेटल द लॉन्ग पेंडिंग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इन एटलीस्ट 6 एरियाज। 6 एरियाज हैं जहां पे इन दोनों के बीच में अनबन चल रही है। मेघालय जो है वो आसाम से ही कार्व्ड आउट एक जगह है जो कि एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया इन द ईयर ऑफ 1972। ये 884 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर शेयर करता है आसाम के साथ एंड देयर आर 12 पॉइंट्स जहां पे डिस्प्यूट्स होती रहती हैं इन बिटवीन आसाम एंड मेघालय। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे दंगे या मारामारी या वायलेंस हो सकता है, ये होता रहता है, उनमें से कुछ बता रहा हूं, 12 पॉइंट्स में से कुछ बता रहा हूं, जैसे कामरूप मेट्रोपॉलिटन, बोको, ठीक है, हाइलाकांडी, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स में गिने जाते हैं, जिनको हमेशा अक्सर हम लोग न्यूज में देखते हैं। दीज डिस्प्यूट्स स्टेम्ड फ्रॉम द मेघालय गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। मेघालय की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया है आसाम का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके बेसिस पर मेघालय बना था। 1969 में एक्ट पास होता, 72 में मेघालय स्टेट बना था। द रिसेंट डिसीजन केम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल रीजनल कमिटीज बाई बोथ द स्टेट्स। अब हो क्या रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड द प्रेजेंट डे इंडियन यूनियन वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ ज्वाइनिंग 550 प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश टेरिटरीज। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी इन द ईयर ऑफ 1953 व्हिच डिवाइडेड इंडियन यूनियन टेरिटरी या इंडियन टेरिटरी इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। 14 स्टेट्स और 6 यूटीज में बटा गया था ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस एंड अदर बेसिस। लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा के आधार पे देश के अलग अलग स्टेट्स बने थे, लेकिन माइंडेड ये भाषा का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो बंगाली बंगाल बनेगा, पंजाबी पंजाब बनेगा, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। बंगाली देश में या बंगाल में सिर्फ बंगाली के नाम ही लोग रहेंगे या पंजाबी में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिक बेसिस पे एंड अदर बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड हुए थे। आज क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंट रीऑर्गेनाइजेशंस के बाद टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, सॉरी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब ये डिविजन्स जो हैं इज नॉट विदाउट क्रैक्स, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम स्टार्टिंग फ्रॉम नागालैंड सबसे पहला एक ऐसा स्टेट है जो आसाम से निकलकर बना इन द ईयर ऑफ 1963 व्हिच गेव राइज टू 4 इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग द आसाम मेघालय डिस्प्यूट। आसाम नागालैंड डिस्प्यूट एक अलग चीज है, आसाम मेघालय डिस्प्यूट अलग चीज है, आसाम मिजोरम, आसाम अरुणाचल, सबका अलग अलग प्रॉब्लम्स है। आसाम और नागालैंड का प्रॉब्लम जो है वो नागा हिल्स को लेकर है, आसाम मिजोरम का जो प्रॉब्लम है वो है आसाम बैराक वैली एंड लुसाई हिल्स को लेकर। आसाम मिजोरम हो गया, आसाम अरुणाचल इस डिस्प्यूट जो है वो एक फॉरेस्टेड ट्रैक को लेकर है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज देर आर मेनी अदर डिस्प्यूट्स जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं एक्टिव और पैसिव वर्जन में। एक्टिव वो हैं जो आज भी हो रहे हैं, पैसिव या डॉर्मेंट वो हैं जो दबे हुए हैं लेकिन कभी भी आ सकता है सामने। एक्टिव में हिमाचल हरियाणा है, इशू कौन सा रीजन है, पारवानू रीजन जो पंचकुला के आसपास आता है, लोग कई लोग हैं वहाँ पे, हिल स्टेशन है। नेक्स्ट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बेलगांव डिस्ट्रिक्ट को लेकर, इसके बारे में बात कर रहा था, मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है इसके लिए। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, सरचू वैली का नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने, सरचू वैली मोटरसाइकिल जाती है वहाँ पे मनाली हाईवे पे, इसको लेकर क्या हिमाचल और लद्दाख में इशू चला, दिस आर ऑल एक्टिव इशूज। डॉर्मेंट या पैसिव में गुजरात राजस्थान है विद रेस्पेक्ट टू दी मानगढ़ हिल्स, केरला और कर्नाटका के बीच में है विद रेस्पेक्ट टू कासारगोड पार्ट जो केरला का है, कर्नाटका बोलता है कि नहीं वहाँ पे कनाडा होनी चाहिए क्योंकि कनाडा स्पीकिंग पीपल वहाँ ज्यादा है। हरियाणा और पंजाब ये कौन सी जगह को लेकर, चंडीगढ़ को लेकर है, और बंगाल और उड़ीसा को लेकर भी इशू है विद रेस्पेक्ट टू दी कनिका सैंड आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है। अब बात आती है कि ऐसे व्हाट कुड बी द रीजंस जिसकी वजह से इस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रही है, इस तरीके की डिस्टर्बेंस या ऐसे प्रॉब्लम्स जो है प्रिवेल कर रही है इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे। नंबर वन, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी टू क्रिएट एंड रिक्रिएट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, आज भी हम लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, नागालैंड ने जिस तरह से रिजेक्ट कर दिया था सुंदरम कमीशन का रिपोर्ट जिसके अनुसार आसाम के साथ उनका कौन कौन सा एरिया जाएगा कौन कौन सा नहीं जाएगा वो सुंदरम कमीशन रिपोर्ट में था ना, और नागालैंड ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली मेघालय ने भी रिजेक्ट कर दिया वाई वी चंद्रचूड कमेटी का रिपोर्ट जिसके बेसिस पे आसाम और मेघालय के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, तो लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज अनदर रीजन। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, इसमें क्या हो रहा है, आर्टिकल 131C ऑफ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इन्वॉल्विंग लीगल राइट्स बट आइदर द सोल्यूशन कम एट अ वेरी स्लो पेस और द स्टेट डजेंट कोऑपरेट, ये भी एक समस्या है। तो फेलियर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का, जैसे आसाम और अरुणाचल का जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है जो कि शुरू हुआ था 1989 में। आसाम नागालैंड का जो डिस्प्यूट है वो उनके बहुत साल से शुरू हो रहा है और बोथ द स्टेट्स हैव एक्सप्रेस रिजर्वेशन ऑन द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमीशन रिपोर्ट एंड आर नॉट एक्सेप्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बढ़ाई नागालैंड और आसाम के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए और एक मीडिएटर को अपॉइंट किया, दोनों स्टेट ने उस मीडिएटर को भगा दिया। आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल का लिए है। 263 ए कहता है कि इट इज ए कॉम्पिटेंट एनफ टू एंक्वायर एंड एडवाइज
एंड अपॉन द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स बट इट वॉज अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द सरकारिया कमीशन. तो आज के तारीख में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 263 इंटर स्टेट काउंसिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है वो ठीक करता है, और ये इसकी 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 शुरुआत जो है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से शुरू हुई थी, उसको इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाई गई. लेकिन दिक्कत की बात ये कि ये आया आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन. दिस कुड बी एन एमसीक्यू कि इंटर स्टेट काउंसिल किस के रिकमेंडेशन के बाद आया, ये किसका रिकमेंडेशन था, इट इज सरकारिया कमीशन. लेकिन दैट केम इन 1990, तो उससे पहले तक तो ये डिस्प्यूट चलती रही अच्छी खासी. आगे डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम जीरो डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम जोनल काउंसिल. जोनल काउंसिल के अंतर्गत जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बना था उसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई गई थी अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट ऑफ 1971. इसके अनुसार भी जितनी सारी मीटिंग्स हुई है जोनल काउंसिल की वो इतनी कम है, इतनी कम है, और जितनी भी हुई है उसमें कोई भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है. तो इसीलिए जोनल काउंसिल वाला कॉन्सेप्ट भी जो काफी डिसअपॉइंटमेंट उसमें मिली है. और यूनियन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तो ना के बराबर है इन सब इश्यूज में. इसीलिए टू कीपिंग द स्पिरिट्स ऑफ म्यूचुअल अकोमोडेशन जो है जो होनी चाहिए सेंटर की तरफ से वो ऑलमोस्ट जीरो है. पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो लोग इस डिस्प्यूट को यूज करते हैं फॉर देयर वोट बैंक पॉलिटिक्स. तो ये सब चीजें कुछ इसमें हैं. और कुछ अदर रीजंस है, जैसे देयर आर सर्टेन इंडिजिनस पीपल, उनका परसेप्शन ये है कि बाहर से जो भी आ रहे हैं माइग्रेंट्स वो उनका हक खा रहे हैं. कुछ इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन उनके आने से बढ़ रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों से अलग प्रॉब्लम शुरू होती है. तो अगर हम कहें कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, तो भाई सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं. जैसे जैसे वायलेंस हो जाता है, जैसे आसाम मिजोरम में वायलेंस हो रहा है, वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं बिटवीन पीपल, इसकी वजह से 5 पुलिस वाले ऑलरेडी मर चुके हैं, ठीक है. इसकी वजह से कई सारे सोसाइटी में जो हार्मोनी है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में डैमेज हो रही है. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अरे मारामारी वाली जगह पे कहां से कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा. अनवांटेड कॉस्ट एस्केलेट हो जा रहा है, या तो प्रोजेक्ट रुक जाता है इन बिटवीन, या तो कुछ बर्बादी की वजह से प्रोजेक्ट में उसमें पैसे ज्यादा लग जाते हैं, तो कोई बिजनेसमैन वहां आता ही नहीं है. ये एडिशनल एक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के लिए अलग से पैसा लगाना पड़ता है. और एक और होता है पॉलिटिकल इफेक्ट, उसका क्या है, इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट. एक चेन रिएक्शन की तरह है. इसकी वजह से क्या होता है, दोनों स्टेट जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, तो ये आज नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट साल में दूसरा गवर्नमेंट आएगा वो भी नहीं करेंगे, फिर तीसरा गवर्नमेंट आएगा वो भी नहीं करेगी. तो इट विल क्रिएट अ ट्रस्ट डेफिसिट, एक चेन जैसा बन जाएगा बिटवीन स्टेट्स. अगर मान लो मिजोरम नागालैंड के बीच में हो रहा है, आसाम मिजोरम के बीच में हो रहा है, तो कल को आसाम नागालैंड होगा, फिर कल को आसाम अरुणाचल होगा, फिर कल को आसाम त्रिपुरा होगा, और ये चेन इसी को डोमिनो इफेक्ट कह रहे हैं. और ये ट्रस्ट डेफिसिट का जो सिस्टम है ये हर स्टेट के साथ फैलता रहेगा, विच विल गिव राइज टू और विच मे गिव राइज टू द सेसेशनिस्ट टेंडेंसी. हम इंडिया से कट जाए, एक अलग नेशन बना लें, विच विल क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम्स, which will create a threat to the internal security issues. ठीक है, और साथ ही अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे कई सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इस बात का फायदा उठाएंगे. हो सकता है कि आर्म्स मुफ्त में देने लगे, फ्री में देने लगे, जाओ मरो, इसी चीज को समझाने के लिए. तो हमारे सामने वे फॉरवर्ड क्या है. नंबर वन, हमें सेटअप करना पड़ेगा स्टेट कमिटीज जो सर्वे करेगी, विच विल वर्क विद द सर्वे ऑफ इंडिया, और देखेगी कि क्या एक्चुअली में चल रहा है. लैंड सर्वे करेगी, लोकल कम्युनिटी से बात करेगी, उनको एंगेज करेगी इन डिमार्केशन ऑफ द बॉर्डर्स. दूसरा, मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अमंग द डिस्प्यूटेड एरिया, खास करके डिस्प्यूटेड एरियाज पे, और उसके ऊपर यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल विजन से हम लोग को देखा जाएगा कि कहां पे क्या समस्या है, और सैटेलाइट इमेजिंग से देखा जाएगा कि कहां पे विजिलेंस उसको मेंटेन करने के लिए, मॉनिटरिंग और प्रॉपर कंटिन्यूस विजिलेंस के लिए हम लोग इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे. और अगर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट किसी एरिया में, तो हम उन एरियाज को नो मैन्स लैंड कह देंगे, विच विल वी विल क्रिएट नो मैन्स लैंड, जहां पे नो लॉस नो गेन, या फिर जीरो सम गेम कर देंगे, ठीक है. चौथा, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करानी पड़ेगी इंटर स्टेट काउंसिल की और जोनल काउंसिल की फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, करवाना पड़ेगा, लोगों को बैठाना पड़ेगा साथ में. नेक्स्ट, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन फॉर बॉर्डर डिस्प्यूट केसेस, हमको टाइम बाउंड तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट केसेस को निकालना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि 1989 में शुरू हुआ तो चलता ही जा रहा है, ठीक है. उसके बाद वी हैव टू क्रिएट अ कंड्यूसिव मैकेनिज्म और एनवायरनमेंट बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो फैसिलिटेट. कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, उसको क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की है, जिससे सब लोग कम टुगेदर हो सके, सब दे कैन बी कम टुगेदर एंड कैन क्रिएट एंड कैन लीड टू सम सॉल्यूशन इन द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. और आखिरी है पॉलिटिकल एफर्ट्स, पॉलिटिकल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पॉलिटिकल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हेल्प करने की. तो ये सारी कुछ हेल्प्स, ये सारी कुछ क्या कहते हैं वे फॉरवर्ड हैं, आप इनको लिख सकते हैं अगर आपसे ओपिनियन मांगा जाए तो. सो दैट्स इट फॉर दिस इशू.